हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आप लोगों को बता दूं जो बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि जेके पी कांस्टेबल को लेके नोटिफिकेशन कब आएगी तो इसके बारे में आपको बता दूं ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है जेके एस ने भी कि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आउट हो जाएगी एक बार मैं आपको ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर दिखा देता हूँ जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ दो मिनट का समय मैं लूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बार ट्रिपल एस पे इसकी जो मेन क्लासेस होंगी वो किस तरीके से अलग होंगी और किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगी आपकी तैयारी में तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक नोटिस है जो कि एस के द्वारा निकाला गया है जिसमें लिखा गया है कि जो भी बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल होम डिपार्टमेंट के लिए तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जो है वो आउट हो जाएगी और इसके साथ साथ ही यहां पर यह भी कहा गया है कि आप लोग अपने जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट या जो भी चीजें हैं वो आप लोग कट ऑफ डेट के विद इन पहले ही बना के रख ले क्योंकि देखो रिजर्वेशन रूल जो है वो चेंज हुए हैं जिसके बाद जो वैकेंसीज थी वो वापस गई थी और कहीं ना कहीं अब वो वापस नए रिजर्वेशन रूल्स के साथ आपकी आने वाली है तो कट ऑफ डेट से पहले पहले आप लोगों को ये कह दिया गया है कि आप लोग अपने सर्टिफिकेट जितने भी हैं उसको तैयार रखिएगा और ये जो रिक्रूटमेंट है कहा जा रहा है कि 4000 प्लस वैकेंसीज़ जो है यहां पे देखने को मिलेगी अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं ट्रिपल एस की तो ट्रिपल एस पे किस तरीके से क्लासेस होंगी मैं आपको थोड़ा सा एक दे देता हूं हम लोगों ने जब ये चीज़ें रेफर करी थी उस टाइम पे एक कोर्स लॉन्च करा था जिसमें आप लोगों को हम लोगों ने ये कहा था कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं उनको ही क्लासेस शुरू करवा दें जिसमें अभी जीएस की बात करूँ तो हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है और ये चीज़ मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने अभी तक जेके के द्वारा या फिर एस के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट हुए उसमें हर एक के आंसर जो है वो करे हैं क्योंकि उनको उस तरीके से कराया गया क्योंकि हर एक बच्चा उस लेवल पर नहीं जा सकता मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस कोर्स में जितनी अभी क्लासेज हुई हैं और जो चीजें अभी तक हुई हैं वो आप लोग मान के चलो कि हार्डली दस से पंद्रह परसेंट आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने करवाया है अब हम लोग क्या चीजें करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी उससे पहले ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले मंडे से हम लोग क्या करेंगे कि पहला पॉइंट हम क्या रखेंगे कि जो जो चीजें पढ़ाई हैं उन पे अब आपकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस जो हैं वो करवाई जाएंगी ताकि अगर कोई बच्चा अभी जुड़ता है तो उसको भी वो चीजें जो हैं वो वहां से बिल्कुल बेसिक से समझ आ जाए और यहां पर आपको एक और चीज बता दूँ जो मैथ रीजनिंग की क्लासेज आपकी पंकज सर ने करवाई थी अब इसके प्रैक्टिस शीट जो होंगी वो मैं बच्चों को करवाऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी ताकि अगर किसी को कोई डाउट भी है तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे और टारगेट हम लोगों का सिंपल है कि इस बार अगर चार हज़ार वैकेंसीज आती हैं हम लोगों का टारगेट सिंपल है कि हमें दो हज़ार मिनिमम सिलेक्शंस ट्रिपल एस से चाहिए हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है हमें सिलेक्शन चाहिए हम लोग उसके लिए काम करते हैं आप लोगों का टारगेट भी सेम है आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उससे डबल मेहनत करेंगे और या तो आप लोग हमारी मेहनत को मैच कर लेंगे तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप लोगों को बता दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लोगों को लिंक जो है वो मिल जाएगा आप वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे नए हैं आप लोगों को हिस्ट्री बाबर सर ने करवाई है अभी फ़िलहाल उनका और सॉरी जोग्राफ़ी उन्होंने करवाई है अभी रिसेंटली उनका भी यूपीएससी प्रीलिम्स एस क्वालिफाई हुआ है तो आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ें करवाई जा रही हैं और आपको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी की टेंशन आप लोग मत लीजिएगा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी इसमें साइंस को हम लोग ऐड करेंगे और हर एक कॉम्पोनेंट जो भी जेके एस एस लेवल का पूछा जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर करवा देंगे और उसके बाद आपके टेस्ट जो चलते हैं टॉपिक टेस्ट वो सब हम लोग पूरा इसी में करवाएंगे क्योंकि देखो होता क्या है अब जब ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ऑफलाइन बच्चे घरों से यहाँ पे आते हैं पंद्रह पंद्रह बीस बीस हज़ार रुपये खर्च के करके कोचिंग सेंटर्स में पहुँचते हैं और वहाँ पे एक दो महीने में आप लोगों को बस बेसिक करवा के बोल दिया जाते हैं कि आप लोग चले जाओ हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है बहुत मुश्किल होता है और खास तौर पे जो बच्चे टेंथ पास या ट्वेल्थ पास इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको थोड़ी और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए और मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चा मेहनती जम्मू कश्मीर का बहुत है उन तक प्रॉपर कंटेंट अगर पहुँच जाएगा तो वो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता है तो वो आप लोगों का प्रॉपर कंटेंट की जिम्मेदारी मैं यहाँ पर लेता हूँ बाकी आप लोगों से मैं बस मेहनत चाहिए आप लोग उसको करते रहिए और ये जो अपडेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो सोच रहा था तैयारी का और जल्दी ही

तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी बच्चे मेहनत करना चाहते हैं या आपका कोई नोन में इसके लिए तैयारी करना चाहता है आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा आप लोगों को ट्रिपल एस पे सारी क्लासेस जो है वो करवा दी जाएंगी ओके गाइज बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट मिलते हैं जल्दी लेक्चर के साथ अभी के लिए इतना टेक केयर